हेलो दोस्तों, ई श्रम कार्ड से NCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड से अगर आप NCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप NCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका पास जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका स्किल है, उस स्किल और क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप जॉब यानी नौकरी आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आपको दिखाता हूँ कि NCS पोर्टल में ई श्रम कार्ड से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपका मोबाइल पे कोई भी एक ब्राउजर में जाके आपको NCS पोर्टल को ओपन कर लेना होगा और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, आप जाके डायरेक्ट इसको क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। और NCS पोर्टल जब ओपन हो जाएगा, आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो जॉब सिकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जॉब सिकार में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर में जाके आपको रजिस्टर करना होगा। नहीं तो यहाँ पे आप जो राइट साइड कॉर्नर में रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, रजिस्टर में क्लिक करना होगा। आप दोनों में से कहीं एक जगह पे क्लिक करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही देख सकते हैं कि आपका सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो अभी यहाँ पे आपको रजिस्टर एज में जाके आपको सेलेक्ट में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, लोकल सर्विस जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जॉब सीकर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जॉब सीकर में सेलेक्ट करता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट में जाके UN नंबर ई श्रम का ये जो ऑप्शन है, UN नंबर ई श्रम, इसको सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आपका ई श्रम कार्ड है। तो आपको UN नंबर ई श्रम में क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करते ही देख सकते हैं कि अभी आपको ये जो बॉक्स है इसमें आपका UN नंबर यानी ई श्रम कार्ड का जो UN नंबर है 12 डिजिट का, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना होगा। जो डेट ऑफ बर्थ आपका ई श्रम कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और का डेट ऑफ बर्थ एंटर हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे रिफिल फ्रॉम ई श्रम में जाके आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे रिफिल फ्रॉम ई श्रम में जाके आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज वेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका ई श्रम कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है। अभी उस OTP को आपको ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आ चुका है। अभी यहाँ पे ये बॉक्स में OTP डाल के आपको वेरीफाई में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करते देख सकते हैं OTP वेरीफाई हो चुका है। और OTP वेरीफाई होते ही देख सकते हैं फिर से आपका सामने ये कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम के जगह पे जो ई श्रम कार्ड में आपका नाम रहेगा वही नाम पूरा यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो वही नाम को आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और नेम एंटर हो जाने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद आपका स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, तो आपको जाके सिंपली आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। नीचे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन लेवल, तो यहाँ पे आपका ई श्रम कार्ड में जो एजुकेशन आपने दे के रखा था वही आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, तो सीधे नीचे आता हूँ। नीचे आके यहाँ पे ईमेल आईडी देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी ई श्रम कार्ड में जो ऑलरेडी दे के रखा था वही यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर भी, आपका ई श्रम कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे शो होगा। और नीचे आके देख सकते हैं कि पासवर्ड, अभी आपका NCS पोर्टल के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना होगा। तो पासवर्ड बनाने का जो यहाँ पे आपको कहा गया कि अलाउ कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये जो तीन आपको कैरेक्टर कहा गया, ये तीन कैरेक्टर का इस्तेमाल करके आपको पासवर्ड बना लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ही बना चुका हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद में नीचे आके आपको यहाँ पे चूज योर यूज़र नेम में क्लिक करना होगा। सेलेक्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यूज़र नेम चूज करना होगा। अगर आप UID भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल भी चूज कर सकते हैं, NCS ID भी चूज कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी सुविधाजनक होगा वही आपको चूज करना है। तो मेरे लिए तो ईमेल सुविधाजनक होगा यूजर आईडी के लिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल को चूज करता हूँ। तो आपको जो भी सुविधा लगे आपके लिए वो आपको चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल चूज किया। तो यूजर नेम चूज हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जाके सेलेक्ट में क्लिक करना है और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप एम्प्लॉयड है तो किस टाइप के एम्प्लॉयड है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड चूज करता हूँ क्योंकि अनएम्प्लॉयड हूँ, तो अनएम्प्लॉयड चूज करना है। तो अनएम्प्लॉयड चूज
करने के बाद आपको फिर से नीचे की ओर आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद में नीचे आके देख सकते हैं की स्किल्स। तो यहाँ पे की स्किल में जो ई श्रम कार्ड में आपने पहले से देखे रखा था वही आपके यहाँ पे शो होगा, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप की स्किल के जगह पे आपका जो भी स्किल है, जो भी आप जिस पर आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना। और की स्किल क्या है उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, जिस तरह से यहाँ पे दिया है नर्सिंग, फार्मेसी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ, ड्राइविंग, कुकिंग, तो ये सब जो भी आपका की स्किल है, यानी आप जिसके ऊपर आपका नॉलेज है, जिसके ऊपर आप जानते हैं, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो सब के बारे में आपको की स्किल्स में आपको डाल देना होगा। और डालने के बाद में आपको नीचे देख सकते हैं कि आपको पूछा गया आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आपको येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मुझे नहीं है तो नो में क्लिक किया। नो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एड योर ऑक्यूपेशन, तो ये ऑप्शनल है, ये आपको एंटर करने का कोई जरूरी नहीं है। तो आपको नीचे आके डायरेक्टली आप यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी कोड दिखाया गया, ये सिक्योरिटी कोड आपको ये जो बॉक्स है नीचे का बॉक्स में आपको एंटर कर देना होगा। तो सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद में आपको ये जो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है इसमें आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको टिक करके सबमिट में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। सबमिट में क्लिक करते देख सकते हैं अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई ईमेल बाय ओटीपी। तो अभी यूजर आईडी के लिए जो मैंने ईमेल प्रोवाइड किया था वो ईमेल आईडी में अभी ओटीपी गया, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होगा। तो आपने अगर ईमेल आईडी प्रोवाइड किया तो आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करके आपको वेरीफाई कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई, जब आप वेरीफाई में क्लिक कर देंगे तो वेरीफाई में क्लिक करके देख सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे दिया है यूजर एनसीएस आईडी, तो ये जो एनसीएस आईडी है ये आपको नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप ऊपर में जाके ये जो जॉब सीकर का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, जॉब सीकर में आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। लॉगिन में क्लिक करते ही अभी देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन। तो लॉगिन में सबसे पहले आपका यूजर नेम जो आपने रखा था, आपका यूजर नेम वो डालना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, साइन इन में क्लिक कर देना होगा। साइन इन में क्लिक करते ही ये देख सकते हैं ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन हो चुका है। तो अभी आपको नीचे आना होगा और नीचे आते ही अभी आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं कि सर्च कैटेगरी वाइज, यानी आपका जो जॉब है, आप जो नौकरियाँ ढूंढना चाहते हैं वो नौकरी आप कैटेगरी वाइज भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज में जो क्लिक करना है, नहीं तो आपको सर्च जॉब में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च जॉब में क्लिक करता हूँ। सर्च जॉब में क्लिक करके देखता हूँ कि कौन सा जॉब आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च जॉब में क्लिक करके नीचे की ओर आता हूँ। नीचे की ओर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सर्च जॉब में कीवर्ड्स, तो यानी आप जो जॉब चाहते हैं उस जॉब को भी आप यहाँ पे टाइप करके उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करके भी आप जॉब को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब देखने को मिल जाएगा, कौन सा जॉब अभी अवेलेबल है वो पूरा जॉब यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, और किस कैटेगरी का जॉब है, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन और आपका स्किल के मुताबिक आपको यहाँ पे जॉब मिल गया तो आप ये जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है राइट साइड में, अप्लाई में जाके आपको क्लिक करके वो जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो जॉब पाने के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो भी इतना ही, फिर से बात करेंगे एक नए वीडियो पे नए इन्फॉर्मेशन के साथ।